हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा GTA5 विंडोज 7 में खेल सकते हैं कि नहीं और 1 GB रैम में। ठीक है दोस्तों, 1 GB रैम में GTA5 खेलना इम्पॉसिबल है और विंडोज 7 में तक आप खेल तो पाएंगे, पर इसकी इतनी रैम भी होना चाहिए जिससे आप GTA खेल पाएँ, वो भी 5। अब GTA5 सुन के तो यार सभी को लगता है यार ये गेम तो चाहिए। मेरा कुछ लोगों के पास कंप्यूटर में होना भी नहीं रहता है तो उन्हें दिक्कत आती है। तो दोस्तों, अगर आप के पास एसूस, डेल, ये कोई भी लैपटॉप है तो यार उससे कुछ नहीं होता, लैपटॉप तो सभी के पास होते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आपकी कंप्यूटर में देखिए 3 या 4 GB रैम तो होना ही चाहिए या 10 GB रैम, और उसके साथ साथ आपके कंप्यूटर में ये ग्राफिक कार्ड वो भी बहुत हाई होना चाहिए, आईटेल का कोई ग्राफिक कार्ड होना ही चाहिए जिससे आप अपने गेम को खेल पाएं। अगर आप विंडोज 7 में GTA5 खेलते हैं तो यार वो बहुत लैग मारेगा और आपको इतना मज़ा भी नहीं आएगा वो आप खेल पाएँ। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि GTA5 विंडोज 7 में नहीं खेल पाएंगे, खेल पाएंगे तो सिर्फ आप विंडोज 10 में खेल सकते हैं, क्योंकि विंडोज 10 वो क्या है, गेमिंग के लिए बहुत अच्छी है विंडोज 10, जिससे आप विंडोज 10 में GTA5 आसानी से खेल सकते हैं। विंडोज 10 में क्या दोस्तों कि विंडोज 7 सिर्फ एक ऑफिस या घर ऑफिस और अदर काम करने के लिए बनाया गया है। विंडोज 7 इस गेम सिर्फ ऑफिस के लिए ही बनाया गया, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं इसके लिए बनाया गया। विंडोज 10 गेम्स के लिए बनाया गया है और कई चीज़ों के और लिए बचाया गया है। विंडोज 10 सिर्फ गेम के लिए ही बनाया गया है और अदर काम्स के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप विंडोज 10 लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो भी GTA5 के लिए। GTA5 खेलने के लिए तो आपको ग्राफिक कार्ड भी बहुत चाहिए होगा। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि आप विंडोज 10 ही लीजिए अगर आपको GTA5 पसंद है तो, अगर नहीं है पसंद तो फिर तो चलाइए, फिर तो लोगों को क्या है। ऐसे आजकल लोगों को सिर्फ एक ही लट लगाए, या GTA5 तो GTA5 और उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो GTA5 तो यार मुश्किल है विंडोज 7 में चले, विंडोज 8 में भी मुश्किल है, विंडोज 10 में चल सकता है। विंडोज 10 में GTA5 चलेगा, उसमें भी ग्राफिक कार्ड होनी चाहिए, रैम भी चाहिए, इतनी रैम आपके कंप्यूटर में होनी भी चाहिए कि ग्राफिक कार्ड से वो चल जाए। और तो दोस्तों, फिर तो आपको पता ही है। और दोस्तों, और आप विंडोज 7 में सिर्फ GTA San Andreas खेल सकते हैं, वो भी 1 GB रैम में, पर वो थोड़ा बहुत लैग होगा। तो दोस्तों, आप GTA San Andreas तो विंडोज 7 में खेल पाएंगे, पर GTA5 1 GB रैम और विंडोज 7 में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि विंडोज 7 GTA5 के लिए नहीं बना है, वो सिर्फ विंडोज 10 के लिए या विंडोज 8 के लिए ही बना है। तो दोस्तों, आप GTA5 से विंडोज 10 में ही खेलिए, वरना विंडोज 8 में आपका विंडोज 7 में आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग मार सकता है और बंद हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप विंडोज 10 में ही GTA5 खेलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें,
कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब मार देना यार, और बेल आइकन को दबा देना, जो नीचे घंटा बना है उसे भी दबा देना, वरना आप लेटेस्ट वीडियो नहीं देख सकते मेरी। हाँ तो दोस्तों, और ये कमेंट करना कि कैसी लगी, कमेंट तो कर दिया कर यार, कमेंट करने पता नहीं कितनी शर्माती है सब लोग। और सब्सक्राइब भी मार देना, और विंडोज 7 में कभी नहीं चलता है GTA 5, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और 1 GB रैम में नहीं चल पाएगा, इसलिए दोस्तों विंडो 10 में ही GTA 5 चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉच।